आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश से जहां लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लगातार हो रही बारिश से बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर आई, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। भवननाथ मंदिर के पास पेड़ गिरने से बिजली में आई फॉल्ट को बिजली विभाग के कर्मचारी 12 घंटे बाद पकड़ सके, वहीं यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में हो रही बारिश के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर के सिंह का कहना है कि किसानों के लिए निश्चित रूप से वरदान है। लगातार बढ़ रहे तापमान से किसानों के फोन आने लगे थे। मौसम के कारण लगातार धान की फसल में बीमारी बढ़ने लगी थी। धान में जीवाणु झुलसा, जिसमें पत्तियां सूखने लगती हैं, इससे लगातार किसानों की फसल नुकसान हो रही थी। धान के अतिरिक्त मक्का को भी इस बारिश से लाभ है। आजमगढ़ जिले में बारिश किसानों के लिए साबित होगी वरदान के बारे में जानकारी देते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि यह बारिश लाभ फसल को नुकसान पहुंचाएगी, इसके साथ रबी की फसल के लिए भी यह बारिश लाभकारी साबित होगी। इस बारिश से खेतों में नमी रहेगी, जिससे सरसों की फसल को भी काफी लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, यह बरसात किसानों के लिए निश्चित रूप से वरदान है। और जैसा हम लोग देख रहे थे कि धान में बीमारी फैलने लगी थी और काफ़ी फ़ोन हम लोगों के पास आने लगे थे, जो सेंटर पर हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं। तो जब फ़ोन हमारे पास आने लगते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि किसान के खेत फसल में बीमारी लगने लगी है। और उसका एक प्रमुख कारण जो था, वो मौसम ही था। चूँकि तापमान इतना ज़्यादा था, 36 और 38 डिग्री के बीच जब तापमान हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, तो बीमारी ये बढ़ने लगती है। तो धान में खास करके जो बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको जीवाणु झुलसा कहते हैं, ऊपर से उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, धान धीरे धीरे पुआल होने की तरह बढ़ने लगता है। तो वो जो है, वो समस्या आप किसान की दूर हो गई। और ये जो रह रह के बरसात आज 2-3 दिन से लगातार हो रही है, तो इससे काफ़ी कुछ बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और धान का जो फसल है वो अच्छा होने के साथ अच्छी उपज की हम लोग कामना करेंगे। सर, और किस फसल के लिए उम्मीद रहेगी? खरीफ की जो फसलें हैं धान के अलावा, तो बाकी मक्का है। तो मक्का जो है, चूंकि अब पकने की स्थिति में आ जाता है, तो बहुत होता है तो यह कि गिरने लगता है, लेकिन उससे भी नुकसान कम है। हम जो नुकसान देख रहे थे, केवल तोरिया की जो फसल होती है, जिसको लाहा बोलते हैं, लाही, तो उसकी बुआई करने में किसान भाई को दिक्कत आएगी। चूँकि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो खेत की तैयारी नहीं कर पाएंगे और समय से उसकी बुआई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो है, ये बरसात अगर तोरिया के अलावा देखें, तो जो आगामी अक्टूबर के महीने तक हमको नमी मिलती है, तो हम समय से रबी फसलों की, खास करके जो सरसों है, उसकी बुआई में यह नमी हमें काम में आ जाती है और हम बुआई कर ले जाते हैं। तो इस तरह से मतलब हर फसल की मांग अलग अलग होती है। अब समय चूँकि सितंबर का है, कुछ ना कुछ बरसात इसमें होती ही है, तो नुकसान इसको हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, ज़्यादातर हम इसको फायदे में ही ले रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।